दोस्तों, कई लोगों की ये गलत फहमी है कि हमारे क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर्स बहुत ही गुस्से वाले थे। वो अपना दिमाग कम और अपने हाथ ज्यादा चलाते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज जस्ट ए मिथ। अगर आप उनके जीवन चरित्र को स्टडी करें तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीजों को लेकर उनकी जो थिंकिंग थी, उनका जो एनालिसिस था, वो जिस तरीके से चीजों को देखते थे, अपने आप में वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर थे। अलग थे लेकिन सही थे। ज्यादातर क्रांतिकारियों को आप देखेंगे, दे हैव स्टडीड सो मेनी थिंग्स। उनकी नॉलेज जो है वो बहुत ही रॉक सॉलिड थी। अब आप हमारे चंद्रशेखर आजाद साहब को ही देख लीजिए। उन्होंने कंपटीशन और सक्सेस के बारे में जो कहा है, उनका जो कोट है, वो आज बड़े बड़े स्पोर्ट्स साइंटिस्ट्स, उनके क्लाइंट्स, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स, ओलंपिक गेम्स वगैरह वगैरह में पार्ट लेते हैं, उनको यही सिखाते हैं कि डोंट सी अदर्स डूइंग बेटर देन यू, बीट योर ओन रिकॉर्ड्स एवरी डे, बिकॉज सक्सेस इज अ फाइट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। ये कोट चंद्रशेखर आजाद साहब का है। आजाद साहब की इस बात के दो फायदे भी हैं। नंबर वन, जब आप अपने आप से कंपीट करते हैं तो जापान का एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं काइजन। काइजन का मतलब है अपने आप को हर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहना, थोड़ा थोड़ा, छोटे छोटे स्टेप्स, लेकिन थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट की एक कॉन्स्टेंट जर्नी। तो कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, आपने जहां से स्टार्ट किया है वहां से कुछ सालों के बाद आप एक ऑल टुगेदर नए जोन, एक नई हाइट तक पहुंच जाएंगे। नंबर टू, आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा क्योंकि आपकी लड़ाई किसी और के साथ नहीं है। आपकी लड़ाई जो है वो अपने आप के साथ है, खुद के साथ है। खुद के साथ जब लड़ाई होती है तो हार और जीत के बारे में सिर्फ हमें ही पता होता है और हमारा ईगो जो है वो हर्ट नहीं होता है। बट एनीवे, द सेकंड पॉइंट इज आल्सो ट्रू कि आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा। इनफैक्ट यू विल एंजॉय इट बिट मोर। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कॉम्पिटिशन में हैं तो हो सकता है आपको स्ट्रेस फील हो सकता नहीं, होता ही है। आप इसको थोड़ा छिपा सकते हैं लेकिन स्ट्रेस तो होता ही है जब व्हेन यू आर कॉम्पीटिंग विद समवन एल्स, बिकॉज जब आप किसी और के साथ कंपीट कर रहे हैं आप उस व्यक्ति को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आप उस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप उसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जो आपकी अपनी है, दैट इज योर सेल्फ। इसके अलावा प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो आप किसी और को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो अगर आपने खुद की जो लड़ाई है, खुद के साथ जो लड़ाई है, उसमें थोड़ी बहुत महारत हासिल कर ली तो आपको बहुत बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद साहब का ये जो कोट है वो कंपटीशन और सक्सेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जय हिंद।